जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ कर लिए हैं, असली अपराधी अब नहीं पकड़े गए। चुप नहीं बैठेगी, यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगी।